हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन फोन हिंदी में। फ्रेंड, इस नए साल में आज आपको एक नए मोबाइल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि लॉन्च हुआ है, लाइफ का मोबाइल, लाइफ का वाटर 7S। तो फ्रेंड, पहले आप जानते हैं कि लाइफ का वाटर 7 पहले निकल चुका था बहुत दिन पहले, तो वो उसमें बहुत शिकायतें आ रही थी कि उसका फिंगरप्रिंट खराब है, उसका स्क्रीन खराब है, टच जल्दी होता नहीं है, गर्म हो जाता है, तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो लाइफ वाटर 7S निकला है वो कैसा होता है। तो चलिए, इसी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए फ्रेंड्स, आप जान जाएंगे कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब हम इस मोबाइल का स्पेसिफिकेशन जानेंगे और मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। पहले हम प्राइस जान लेते हैं। प्राइस है इसका 7500 के लगभग रखा गया है। तो उस प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है, चलिए जान लेते हैं। डिजाइन की बात करें फ्रेंड्स, तो डिजाइन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन की। अगर डिस्प्ले में जाने तो डिस्प्ले इसका है दिया गया है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1080x1920 पिक्सल का। अगर मैं पीपीआई की बात करूँ तो यहाँ पे 400 का पीपीआई यहाँ पे दिया गया है, और मतलब स्क्रीन का प्रोटेक्शन में पांडा ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। पहले गोरिल्ला था, पांडा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.3 GHz का यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। साथ साथ 3 GB का रैम, 16 GB का इंटरनल मेमोरी, उसको आप एक्सपेंड कर पाएंगे 64 GB तक माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर। अब चलिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा कैमरा जान लेते हैं कितना है। 13 MP का आपको बैक कैमरा विद एलईडी फ्लैश मिलेगा, साथ साथ आपको फ्रंट में 5 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। बैक कैमरे में फीचर्स से पूरा लोडेड है वो, जैसे कि जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, पैनोरामा, एचडीआर वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टाइम लैप्स वीडियो भी आप बना सकते हैं उसमें, स्लो मोशन, फास्ट मोशन वगैरह जो होता है वो आप कर सकते हैं उससे। तो ये सब आपको फीचर्स पूरा लोडेड है बैक कैमरे में। कैमरा काफी अच्छा लग सकता है, मतलब वाटर 7 से अच्छा होगा ये वाला, क्योंकि इसमें जो एपरेचर है f/2.0 का अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं इसका बैटरी। बैटरी जो यहाँ पे दिया गया है 2800 का बैटरी दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि ली पॉलीमर का बैटरी है और एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है। तो खतरा यहीं पे है। खतरा ये है कि पहले बैटरी गर्म हो जा रहा था, नॉन रिमूवेबल दिया है, तो अगर गर्म वर्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप। क्योंकि फ्रेंड, अगर आपको मान लीजिए बैटरी चेंज करवाना हो, आपको जाना पड़ेगा कहाँ, सर्विस सेंटर, या फिर बैटरी ज़्यादा गर्म हो जाए, आपको खोलना हो, खोल नहीं सकते हैं, नॉन रिमूवेबल बैटरी है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैटरी में काफ़ी ये दिक्कत करता है लाइफ का मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6.0.1 मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन करता है। आगे बढ़ते हैं, OTG सपोर्टेड है इसमें, और चीज़ें जो है इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, सारा कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करता हूँ कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहली बात अगर हम डिस्प्ले की करें तो डिस्प्ले यहाँ पर ज़बरदस्त फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, पीपीआई भी ज़बरदस्त है, मतलब कि डिस्प्ले एकदम अच्छा है। 5.5 इंच का काफ़ी बड़ा होगा, तो डिस्प्ले में ये एकदम अच्छा है। अगर मैं बात करूँ इंटरनल पार्ट की, तो यहाँ पर 1.3 GHz का जो ऑक्टा कोर मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है वो भी इस प्राइस रेंज में ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रैम और इंटरनल मेमोरी की, वो भी धमाकेदार दिया गया है। बस बात कहाँ अटक जाती है, बात अटक जाती है बैटरी में आकर। बैटरी 2800 दिया गया है, चलिए मान लेते हैं इस प्राइस में ठीक है, लेकिन जो गर्म होने का प्रॉब्लम होता है ना, वो अगर ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन लाइफ का हर फोन में ऐसा होता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क लग रहा है फ्रेंड्स। फिलहाल कैमरे की बात करें तो कैमरा में बहुत सारे फीचर्स लोडेड है, वो कैमरा अच्छा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ ओवरऑल इस फोन के बारे में, तो ये फोन आपको रिस्क लेकर लेना होगा। रिस्क इस बात का, बैटरी का, बैटरी अगर गर्म हो तो उसका रिस्क आपको लेना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर अच्छा फ़ोन लेना है 7500 या 8000 या 9000 के अंदर में, तो मैं आपको बता दूं कि आप रेडमी चूज़ कर सकते हैं। शाओमी का फ़ोन रेडमी जो होता है उससे आप चूज़ कर सकते हैं, 3S, 3S प्राइम वगैरह, या फिर मैं बोलूं आप 10000 के प्राइस में अगर चले जाएं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा लिनोवो का K6 पावर, जो कि बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है, वो भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही। लाइक करें अगर ये वीडियो पसंद आया तो, शेयर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।